गैस, आई होप कि आप लोग ये एंड्रॉयड की सीरीज इंजॉय कर रहे हो और मैंने इसमें आप लोगों को सीक्वलाइट के बारे में काफ़ी बातें बताई हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो आपको सीक्वलाइट वाला ये जो पूरा हमने चलाया है डेटाबेस की बारे में, हमने क्रूड के बारे में डिस्कस किया है, ये सारे जो वीडियोज़ हैं आपको समझ में आ रहे हैं नहीं, काइंडली मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर और जल्दी से एक क्विक रिकैप दूंगा। मैंने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट किया, एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद मैंने ग्रेडल बिल्ड को फिनिश होने दिया और सब कुछ रेडी हो गया है। अगर आप सेम प्रोजेक्ट खोलते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। हमने यहाँ पर कुछ पैकेजेस बनाए थे, मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, माई डी बी हैंडलर डॉट जावा है, इसके अंदर हमने एक ऑन अपग्रेड फंक्शन बनाया, हमने यहाँ पर एड कॉन्टैक्ट फंक्शन बनाया, उसके बाद हमने गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स फंक्शन बनाया, फिर हमने यहाँ पर अपडेट कॉन्टैक्ट फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रड में आता है हमारे पास सबसे पहले क्रिएट, फिर उसके बाद क्रड में आर फॉर होता है हमारा रीड, और उसके बाद यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट। तो अब हमने यहाँ पर अपडेट भी कर लिया, रीड तो कर ही लिया था, सब कुछ हमने कर लिया था, अब डिलीट का नंबर है, तो क्यों ना जल्दी से डिलीटिंग करने के लिए भी फंक्शन बना लिया जाए। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैं कहूँगा ओप्स पब्लिक void delete contact। अब यहाँ पर delete contact के अंदर मैं int id दे दूँगा, मैं कहूँगा contact की id मुझे दो, मैं delete कर दूँगा उस contact को, या फिर आप contact का नाम लेके भी उसे delete कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं id लेके कैसे delete करना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा SQLite और SQLite database और उसके बाद db is equal to this dot get writable database और उसके बाद db dot delete, और यहाँ पर db dot delete सबसे पहले लेगा टेबल का नाम, और टेबल का नाम मेरे पास क्या है, params dot table name, और दूसरा आर्ग्यूमेंट इसका होता है where clause। where clause का मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ params dot और उसके बाद मैं लिख दूँ की id, यानी कि क्या id है उसकी, और मैं कहूँ कुछ ऐसे, तो मैं कहूँ is equal to question mark, ठीक है, ये मेरा where clause हो गया। अब अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है इस चीज़ में तो मैं कहूँगा कि आप बस ऐसा समझ लो जिस तरह वेयर क्लॉज हमने यहाँ पर दिया था उसी तरह से हमने कहाँ दिया था वेयर क्लॉज, हमने अपडेट में दिया था शायद वेयर क्लॉज, यहाँ हमने यहाँ अपडेट में दिया था, तो उसी तरह से वेयर क्लॉज आपको देना है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा और इसके बाद जैसे जैसे मैं कॉमा लगाता जाऊँगा, देखो मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया और यहाँ पर अगर मैं अपना एरो लेकर गया तो ये मुझे बता रहा है कि अगला आर्ग्यूमेंट ये क्या एक्सपेक्ट करता है, डी बी डॉट डिलीट। तो डी बी डॉट डिलीट अगला आर्ग्यूमेंट मेरा क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये पैरामीटर्स। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ, मैं यहाँ पर अगर कुछ ऐसे लिख दूँ न्यू, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग एरे बना रहा हूँ, और अब आप में से लोग कहोगे कि यार ये कैसे पता चलेगा क्या करना है यहाँ पर, तो देखो बात कुछ यूँ है, एक बार स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और मैं यहाँ पर लिख दूंगा आईडी, यानी मुझे आईडी देनी है। तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोल दबा के डी बी डॉट डिलीट की इम्प्लीमेंटेशन पे आओ तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले आपको टेबल देना है, उसके बाद आपको वेयर क्लॉज देना है, उसके बाद आपको वेयर आर्ग्स देना है, यानी कि आर्ग्यूमेंट। देखो इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यू मे इंक्लूड क्वेश्चन मार्क एस इन द वेयर क्लॉज विच विल बी रिप्लेस बाय द वैल्यूज फ्रॉम वेयर आर्ग्स, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात का मतलब क्या है। तो मैं आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये आप लोगों को, और यहाँ पर क्या होगा, मैंने यहाँ पर दिया है params dot की id is equal to और वो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सेमीकोलन लगाना मत भूलना बिल्कुल भी, जावा ये। और ये करने के बाद बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, db dot close तो करना ही करना है, मतलब कुछ भी हो जाए। यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ सही भी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको ना जितनी बार रन करूँगा उतनी बार मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं डिलीट होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा क्या, सारे कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर दूँ। तो सारे कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा डी बी डॉट डिलीट कॉन्टैक्ट और मुझे आई डी देनी पड़ेगी उसकी, जो भी कॉन्टैक्ट मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं मान लो सारे के सारे हैरी को डिलीट करना चाहता हूँ, बहुत सारे हैरी बन गए, मान लो मैं सारे हैरी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करके इसको रन करके देखता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा ग्रेडल बिल्ड रन होने में। गैस जितनी देर में हमारा यहाँ पर जो ग्रेडल बिल्ड वगैरह वो रन हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप लोग ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया, इसको बुकमार्क करके सेव कर लें अगर आप लोग फ़ोन वगैरह में, तो डेस्कटॉप पे हैं अगर, तो बुकमार्क करके यहाँ पर सामने रखने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस कोर्स का। यहाँ पर वापस आता हूँ और ग्रेडल बिल्ड यहाँ पर कह रहा है इंस्टॉल, मेरा डिवाइस ऑनलाइन आ चुका है। और जब भी आप डिवाइस को वापस से लेकर आते हैं ऑनलाइन तो इस तरह से आपको दिखाई देगा डिवाइस और वो ऐप उसमें पहले से चल रही होगी, वो पुराना वर्जन है, अगर मैंने पहले इसको चलाया हुआ तो तब की खुली हुई है ऐप ये। जब तक यहाँ पर लॉन्चिंग एक्टिविटी लिख करना है तब तक आपकी जो अपडेटेड ऐप है वो नहीं दिखेगी। इस केस में हमने यहाँ पर जो XML वाला हमारा पोर्शन है एक्टिविटी मेन डॉट XML, वो यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब हमारा उस हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है,
क्योंकि हम सारा का सारा काम यहाँ पर कर रहे हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। ऑलराइट गाइस, सो ग्रेडल बिल्ड खत्म हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देखो कि सारे के सारे नंबर आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं किया है और यहाँ पर आईडी एक से लेकर कहाँ तक आ रही है, आईडी एक से लेकर आ रही है मेरे पास 55 तक। तो मैं एक से लेकर 55 में से कोई भी आईडी को डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसे कर दूँ डी वी डॉट डिलीट कॉन्टैक्ट और मैं मान लो मैं कुछ आईडीज़ यहाँ पर डिलीट करूँगा और ये देखूँगा कि क्या मेरी आईडीज़ डेटाबेस में डिलीट हो भी रही हैं नहीं हो रही हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसे लिखूँ और मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, मान लो मैं एक डिलीट कर दूं और दो और तीन भी डिलीट कर दूं, मान लो ठीक है दो और चार डिलीट कर देता हूं, या फिर एक काम करता हूं 12 और 44 डिलीट कर देता हूं, 44 शायद है नहीं, तो एक काम करता हूं पाँच, एक 12 और पाँच ये डिलीट कर देता हूं, रन करता हूं और अपना ये जो मेरा लॉक कैड है ना इसको क्लियर कर देता हूं ताकि मुझे फ्रेश लॉक्स दिखें। तो अभी मैं रन कर रहा हूं वापस से ग्रेडल बिल्ड को, जैसे ग्रेडल बिल्ड रन हो जाएगा मैं वापस आऊँगा। ऑलराइट गाइस, सो हमारी जो ग्रिडल बिल्ड है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर देखो जो जो आइडियाँ डिलीट की नहीं हमने वो हुई हैं नहीं हुई हैं ज़रा देख लेते हैं। एक 12 और 5, एक 12 और 5 हमने डिलीट करी, तो ये देखो यहाँ पर एक तोड़ गई और उसी के साथ साथ 12 भी दिखाई नहीं पड़ रही है और 5 भी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब हमारा जो डिलीशन है वो सक्सेसफुल रहा। इसी तरह आप डिलीट कर सकते हो किसी भी तरह, अगर आप नाम पास करके डिलीट करना चाहते हो मान लो, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करोगे। जो हमने यहाँ पर डीबी डिलीट बनाया है, डिलीट कॉन्टैक्ट बनाया है सॉरी, तो उसी की तरह आप डिलीट कॉन्टैक्ट, मैं इसको डिलीट कॉन्टैक्ट बाय आईडी नाम दे देता हूँ और आप इसको डिलीट कॉन्टैक्ट बाय नेम एक और फंक्शन बना सकते हो, फिर उसमें जो भी नाम होगा वो डिलीट हो जाएगा ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिलीट कॉन्टैक्ट बाय नेम अगर कर दूँ, या फिर डिलीट कॉन्टैक्ट बाय कॉन्टैक्ट, या फिर सिर्फ डिलीट कॉन्टैक्ट देता हूँ, उसमें मैं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पास करूँगा बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पास कर दिया और मैं सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये स्ट्रिंग दी थी, वैल्यू ऑफ आईडी दी थी, या कॉन्टैक्ट डॉट गेट आईडी कर दूंगा मैं, गेट आईडी, दैट्स इट दैट्स इट। इसके बाद मैं अगर कोई कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट इसके अंदर देता हूँ तो मेरा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह आप डिलीशन के जो फंक्शंस है वो बना सकते हैं। अब हम जब पूरी ऐप बनाएंगे तब देखेंगे कि क्या चीज़ वैलिड है, किस तरह हमें डिज़ाइन करना है ऐप को, लेकिन ये बेसिक्स मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के एकदम क्लियर रहें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो जब कॉन्टैक्ट्स की ऐप बना रहे हैं तो हम यहाँ पर सेम नाम से कॉन्टैक्ट रखने ही नहीं देंगे यूज़र को, ताकि पंगा ही ना पड़े। अगर मैं इंसर्ट ही होने नहीं दूंगा सेम नाम से कॉन्टैक्ट को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं डिलीट भी कर पाऊँगा नाम से, मेरा नाम यूनिक हो जाएगा। कभी भी किसी फ़ोन में अगर आप कॉन्टैक्ट डालते हो सेम नाम होता है तो वो बोलता है ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है इस नाम से कॉन्टैक्ट, तो आप सेम नाम चूज़ नहीं कर सकते, ऐसे करके वो बोलता है आपको। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर मेरा ये जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस करके बुकमार्क नहीं किया है और यहाँ पर सेव नहीं किया है, तो उसको काइंडली कर लें। मैं सारा का सारा कोड आपको दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है कोड सारा, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करना। मैं यहाँ पर जैसे जैसे अपडेट करता जा रहा हूँ, अब देखो डिलीट कॉन्टैक्ट जो था वो मुझे बाय आईडी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो वो भी मैं ठीक कर लूँगा अभी क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है। तो मैं इसको भी बाय आईडी कर देता हूँ, यहाँ पर भी बाय आईडी कर देता हूँ कि ये एरर थ्रो करेगा अगर मैंने इसको बाय आईडी नहीं करा तो। और वापस से मैं इसको रन करूँगा, ऑब्वियसली ये बोलेगा ये है ही नहीं, तो नहीं करेगा ये डिलीट। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे मान लो मैंने इसको रन किया अभी वापस से ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो माई डी बी हैंडलर था इसमें डिलीट कॉन्टैक्ट हुआ आई डी में क्या है, मैंने बोला है कि ये क्वेरी को चला दो, मेरी डी बी डॉट डिलीट कर दो। और इसके बाद क्या होगा यहाँ पर देखो, ये ग्रिडल बिल्ड मेरा जैसे ही रन होगा मैं वापस आता हूँ। सो गाइस, मेरा जो ये ग्रेडल बिल्ड था वो रन हो चुका है और यहाँ पर देखो मुझे अगर एक 12 या 5 ही कोई भी आईडी होगी तो वो डिलीट हुई भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आराम से आप लोग जो है सेट कर सकते हैं, चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं और हमने सारे फंक्शंस यहाँ पर बना लिए हैं। और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को एंडली लाइक ज़रूर कर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।